एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मौशमी। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे आर्टिफिशियल फ्लावर्स एंड प्लांट्स के कलेक्शन जो मैंने लिए हैं अमेजोन से एंड कुछ मैंने लिए हैं फ्लिपकार्ट से। तो अगर आप अपने लिविंग रूम में या बेडरूम में कोई भी आर्टिफिशियल फ्लावर्स या प्लांट्स ऐड करना चाहते हो तो ये वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना एंड ऑल्सो एक बेल आइकन उसे भी क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो मैंने लिया है वो है ये आर्टिफिशियल फ्लावर, ये देख लीजिए सामने। इससे पहले मैं आपको इसको बता देती हूँ, इसे है ना चेरी ब्लॉसम फ्लावर भी कहते हैं। क्वालिटी वाइज ये बहुत ही अच्छी है, लेंथ भी इसकी, हाइट भी देखा जाए तो बहुत ही अच्छी है। ये 105 सेंटीमीटर की है, मतलब लगभग ये 41 इंचेस की इसकी हाइट है। ये देख लीजिए फोर वॉल्स इसकी ब्रांड है एंड इसमें आपको है ना टोटल 6 स्टिक्स मिलेंगे। ये देख लीजिए ऐसे, इसे आप अपने लिविंग रूम में या बेड साइड टेबल के बाजू में कहीं पे भी इसे कॉर्नर एरिया में इसको आप अगर ऐसे वास में डाल के इसे एज अ डेकोर यूज़ कर सकते हो, मतलब बहुत ही प्यारा लुक क्रिएट हो जाएगा इससे। एंड प्राइस है इसकी 750। नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो है ये चेरी ब्लॉसम आर्टिफिशियल फ्लावर, ये देख लीजिए पहले आप सामने से। ये सेम है जो मैंने अभी आपको पहले वाला दिखाया और ये वाला, दोनों सेम ही है, सिर्फ इसका ब्रांड अलग है। क्वालिटी दोनों की बहुत ही अच्छी है, इसे भी आप ले सकते हो। इसकी जो प्राइस है ये 400 का मुझे ये मिला है, मतलब ये 200 का एक और ये भी 200 का, मतलब सेट ऑफ टू में। तो इसे भी आप डेफिनेटली आप अपने घर के लिए ले सकते हो। इन सब आर्टिफिशियल फ्लावर्स को मैं कैसे यूज़ करने वाली हूँ ये आपको मेरे अपकमिंग वीडियो में ज़रूर जल्दी पता चल जाएगा, तो इसलिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो है ये आर्टिफिशियल फ्लावर, ये भी सेम मैंने वाइट कलर में ही लिया है। इसे भी चेरी ब्लॉसम ही कहते हैं, चेरी ब्लॉसम फ्लावर। क्वालिटी तो इसकी बहुत ही अच्छी है, इसमें आपको एक ही स्टिक मिलता है एंड ऐसे 4 स्टेम्स है और हर एक स्टेम में ऐसे मतलब बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में है ना ऐसे फ्लावर्स दिए गए हैं। अगर आपको मैं पहले वाला चेरी ब्लॉसम वाला बताऊँ, ये जो मैंने आपको बताया था, ये देखिए ये एक है और ये दूसरा है, इसको और इसको कंपेयर अगर किया जाए तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी एंड क्वांटिटी में है एंड ये थोड़ा, ये भी ठीक है बट ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है एंड इसकी जो प्राइस है वो है 350। नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो है ये आर्टिफिशियल फ्लावर, इसे ग्लैडियलस फ्लावर भी कहते हैं। क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इसे मैं 1.5 साल से यूज़ कर रही हूँ एंड इसे मैंने जितने बार भी वॉश किया है ना इसका ये फ्लावर बिल्कुल भी नहीं निकला है, बिल मतलब वैसा का वैसा ही सेम इंटैक्ट है। तो क्वालिटी वाइज तो देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है, इसे आप ले सकते हो अपने होम डेकोर के लिए एंड प्राइस है इसकी 399। नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो है ये आर्टिफिशियल हैंगिंग लीव्स, जिसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है एंड इसे मैंने लिया है फ्लिपकार्ट से। इसकी अगर लीव्स की अगर लेंथ में बात करूँ, ये देखिए काफ़ी बड़ी है, ये देख लीजिए। इसे आप अपने बालकनी में भी कहीं पे हैंग करोगे तो बहुत अच्छा लुक क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पर ले सकते हो अपने अपने घर के लिए। सेट ऑफ टू मुझे मिला है 360 के प्राइस में। नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो है ये आर्टिफिशियल हैंगिंग प्लांट, जिसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। इसमें ये जो पॉट है ये प्लास्टिक मेड है, अंदर का भी ये जो है ये भी प्लास्टिक का बना हुआ है। इसकी जो प्राइस है 365, ऐसी ही सेम मैंने आइकिया से ली थी जिसकी प्राइस थी 549। तो अगर आपको ऐसा ही सेम चाहिए तो आप इसे अमेजोन से ले सकते हैं। नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो है ये स्टोरेज बास्केट, क्वालिटी वाइज ये बहुत ही अच्छी है, साइज़ भी इसकी काफ़ी बड़ी है। ये है ना प्रॉपर नेचुरल केन से बना हुआ है। प्राइस वाइज ये मुझे थोड़ी सी एक्सपेंसिव लगी, क्योंकि ये मुझे 1800 का मुझे ये मिला है एंड इसे आप इसे एज ए स्टोरेज बास्केट भी यूज़ कर सकते हो, फ्रूट्स वेजिटेबल बास्केट एंड ऑल्सो आप इसमें ना आर्टिफिशियल ऐसे फ्लावर्स भी आप इस पर रख के अपने रूम पे कहीं पे भी इसे एज रख दोगे तो ये बहुत ही एक अच्छा सा लुक क्रिएट कर सकते हो आप इससे ऐसे। तो लुक वाइज तो ये बहुत ही अच्छी है बट प्राइस वाइज थोड़ी सी मुझे ये एक्सपेंसिव लगी है। नेक्स्ट जो है वो है आज का शो स्टॉपर, वो है ये आर्टिफिशियल फ्लावर, ये देख लीजिए सबसे पहले आप इसे सामने से। क्वालिटी इसकी बहुत ही अच्छी है, इसमें ना एक ही स्टिक मिलेगा जिसमें ये 5 स्टेम्स है एंड हर एक स्टेम में ऐसे ये फ्लावर्स है। आप सबसे पहले ये फ्लावर की साइज़ भी आप देख लीजिए, काफ़ी बड़ी साइज़ है इसकी, एक फ्लावर और 2 ऐसे लीव्स मिलेंगे आपको। तो ऐसे हर एक स्टेम में एक फ्लावर एंड 2 लीव्स है। इसे एज अ डेकोर आप अपने सेंटर टेबल में भी यूज़ कर सकते हो एंड इसकी जो प्राइस है वो है 600।
नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो है ये आर्टिफिशियल क्रीपर जो कि एक वॉल हैंगिंग है। क्वालिटी इसकी बहुत ही अच्छी है एंड इसकी जो लेंथ है वो है 7 feet। इसे आप डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में कहीं पे भी सजा सकते हैं अपने घर में, जैसे इसे मैंने अपने बालकनी में यूज़ किया है। ऐसे मैंने 6 pieces लिए हैं एंड इसकी प्राइस है 400। लास्ट जो प्रोडक्ट है वो है ये आर्टिफिशियल हैंगिंग ऑर्किड फ्लावर। क्वालिटी इसकी बहुत ही अच्छी है एंड इसमें आपको टोटल 5 stems मिलेंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल एंड नेचुरल लुक है इसका। इसे आप एज अ वॉल डेकोर भी यूज कर सकते हैं एंड इसे आप अपने बालकनी में भी हैंग कर सकते हैं एंड इसकी प्राइस है 350। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक भी कर दीजिए एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको इनमें से सबसे अच्छा आर्टिफिशियल फ्लावर या प्लांट कौन सा लगा एंड आप कौन सा खरीदने वाले हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।